ह्युंडई मोटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमेशा से ह्युंडई के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन एंड डेवलप करने में। एंड 2012 में जब ह्युंडई मोटर स्पोर्ट्स स्टैब्लिश हुआ था, सब्सिक्वेंटली उसका WRC जो रैली कार है वो भी डेवलप हुआ था। एंड उस कार ने बहुत सारे किताब अपने नाम किए हैं। एंड उस एक्सपीरियंस को आप तक लाने के लिए ह्युंडई ने इंट्रोड्यूस किया है i20 N-Line। वेलकम टू व्हील BSP, आई एम संतोष एंड यू आर वॉचिंग द ह्युंडई i20 N-Line। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रिल में चेकर्ड फ्लैग का जो टेक्सचर है वो देखने को मिलेगा पूरे ग्रिल में। ये ग्रिल काफ़ी रीडिजाइंड है। साथ ही यहाँ पे आपको N-Line की बैजिंग मिलेगी। जो हेडलैम्प है ये एग्जैक्टली वही है जो हम नॉर्मल i20 में देखते हैं। साथ ही अगर आप थोड़ा सा लोअर पोर्शन में जाए तो आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इंसर्ट मिलता है विद रेड हाईलाइट, जो N-Line किट की पार्ट है। साथ में ये जो फॉग लैम्प हाउसिंग है इसको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी इंसर्ट जो एक सी सेक्शन बन रहा है वो इंसर्ट है यहाँ पे, इस वजह से ये फॉग लैम्प थोड़ा सा रीडिजाइंड है। साइड प्रोफाइल में आप सबसे पहले नोटिस करेंगे ये 16-inch अलॉय व्हील्स। अब इसमें 195x55 सेक्शंस के आपको टायर भी मिलते हैं। एंड N-Line की बैजिंग आपको व्हील में एम्बोस मिलती है। एंड साथ ही आपको लोअर पोर्शन में ग्लॉसी फिनिश में आपको इंसर्ट मिलता है विद रेड हाईलाइट, जो काफ़ी स्पोर्टी लग रही है इस वाइट कार में। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको, अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो क्रोम यहाँ पे आता था वो क्रोम अब मिसिंग है। एंड यहाँ पे आपको ऑल ग्लॉस फिनिश इंसर्ट मिलता है। अब इस गाड़ी में मुझे सबसे अच्छा चीज़ जो लगा वो है लिमिटेड यूज़ ऑफ क्रोम। आपको पूरे व्हीकल में कहीं पे भी क्रोम देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर ये बैक साइड जहाँ पे आपको दोनों टेल लैंप्स में ये क्रोम लाइन ज्वाइन करता है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा वो है ये एग्जॉस्ट। ये डुअल एग्जॉस्ट एक्चुअली बीफी साउंड करता है। वो चाहे कैबिन के बाहर का एक्सपीरियंस हो या कैबिन के अंदर, आपको वो बीफी साउंड ज़रूर सुनाई देगा, जो एक स्पोर्टीनेस इस कार की बढ़ाती है। N-Line वेरिएंट में आपका जो लेआउट है वो सिमिलर है i20 के साथ, जो रेगुलर i20 आती है उसके साथ। लेकिन जो चेंज है यहाँ पे है वो आपको देखने को मिलेगा स्टीयरिंग व्हील में। ये स्टीयरिंग व्हील N-Line वाला है एंड इसमें आपको रेड कलर के स्टिचेस देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा सा स्पोर्टीनेस को और एनहांस करता है। एंड ये रेड हाईलाइट आपको अक्रॉस द इंटीरियर देखने को मिलेगा, बी इट एयर कॉन्वेंट, बी इट डोर पैड्स, बी इट द सीट्स। साथ ही इसमें आपको N की बैजिंग मिलती है स्टेयरिंग व्हील में, जो आपको सीट्स में भी देखने को मिलेगा। एंड जो इसका गियर नॉब है वहाँ भी आपको N-Line की बैजिंग मिलती है, जो N बैजिंग है। i20 N-Line में आपको जो पैडल्स है वो मेटल पैडल्स मिलता है, जो आपका ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाता है। साथ ही कैबिन एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए आपको 7-speaker बोस म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलता है, जो हमने रेगुलर i20 में देखा था। बट जो वहाँ आपको एम्बियंट लाइट मिलता है वो ब्लू कलर का मिलता है नॉर्मल i20 में, लेकिन जो N-Line वेरिएंट है इसमें आपको रेड कलर का एम्बियंट लाइट मिलता है, जो ओवरऑल इस एम्बियंस को मैच करता है। रियर सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी आइडेंटिकल टू द नॉर्मल i20। द ओनली डिफरेंस हियर यू विल नोटिस इज ये रेड कलर का जो इंसर्ट है, जो चेकर्ड फ्लैग है, आपको सीट में देखने को मिलेगा। i20 के सीट्स कंफर्टेबल है एंड ये आपको अच्छा खासा स्पेस भी देती है, बट हेडरूम थोड़ा सा क्रैम्ड है। बट यस, अगेन जो नॉर्मल एवरेज इंडियन हाइट है उसके हिसाब से ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। अब i20 N-Line की अगर हम इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको सेम वो 1 लीटर TGDI इंजन मिलता है। डिफरेंस इंजन स्पेसिफिकेशंस में नहीं है, ट्रांसमिशन भी बिल्कुल सेम है, आपको DCT मिलता है और एक IMT मिलता है। द ओनली डिफरेंस एंड फील इज इन द स्टीयरिंग व्हील। इसका जो स्टेयरिंग का फीडबैक है ये काफ़ी बढ़िया, ये सेंटर वेटेड है सबसे पहले, तो अगर आप थोड़ा सा टर्न कर रहे हैं वो अपने आप सेंटर पे आ जाएगी, और ये सबसे अच्छी बात है इसकी। साथ में इसका जो फीडबैक है वो एक्यूरेटली व्हील्स तक ट्रांसफर होता है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है।
साथ में इसका जो सस्पेंशन है उसमें डैम्पिंग थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा स्टिफ लगने वाला है N-Line कंपेयर टू द रेगुलर i20, एंड इस वजह से आपको थोड़ा सा झटके ज़्यादा महसूस होंगे, बट देन अगेन वो जो झटके आपके बॉडी तक बहुत ज़ोर से ट्रांसफ़र नहीं होते जैसे हमने दूसरी गाड़ियों में देखा है। एंड एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे, जो इंजन का ग्रंट है, क्योंकि इसका जो मफलर है वो चेंज किया है एंड वो ट्विन पॉड मफलर है, इस वजह से उसमें आपको वो ग्रंट सुनाई देगा एंड वो कैबिन में भी आता है एंड काफ़ी एनर्जेटिक लगता है वो। साथ में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, नॉर्मली जो i20 है उसमें आपको सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक्स मिलते थे, इसमें आपको 4 मिलते हैं। द ओनली कंप्लेन हियर इज अबाउट द DCT। ये DCT बहुत ही लैगी लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि DCT बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं एंड उस लेवल का फीडबैक इस DCT से नहीं आता। अब अगर IMT या फिर DCT इन दोनों में से आपको अगर चूज करना हो तो आई वुड प्रिफर कि आप IMT चूज करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सिर्फ एक वेरिएंट है या फिर ये कुछ एक्स्ट्रा भी आपको ऑफर कर रही है। सो हमारे हिसाब से ये वो एक्स्ट्रा पंच, वो एक्स्ट्रा स्पोर्टीनेस है जो आपको चाहिए। अब इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, N6, N8 IMT, N8 DCT। अब तीनों के प्राइसिंग भी अलग अलग है, जो 10 लाख से स्टार्ट होता है एंड अप टू 12 लाख तक जाता है, जो प्रिसाइसली 11,75,000 है N8 DCT वर्जन। बट द प्रॉब्लम इज कि इसकी जो प्राइसिंग है वो उस ब्रैकेट में जाती है जहाँ पे हमें सब कॉम्पैक्ट SUVs मिलते हैं एंड वहाँ पे आपको स्पेस एंड स्पोर्टीनेस भी मिल जाता है, क्योंकि आजकल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट का बड़ा ज़माना चला हुआ है एंड वहाँ पे थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट होती है i20 N-Line के साथ। बट ओवरऑल कंसिडरिंग वॉट इट ऑफर्स, दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का ख़त्म होता है। टिल देन डू सब्सक्राइब टू व्हील BHP ताकि ऐसे कंटेंट हम अब तक और लेकर आएँ।